हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं, क्या तुम्हें किसी की याद आ रही है? हाँ, मुझे बचपन का प्यार याद आ रहा है। मुझे लगता है वो अपनी माँ को याद कर रही है। मुझे अपनी प्रेमिका के साथ बिताया हुआ समय याद आ रहा है। तो कोई समय याद आना या किसी के साथ कोई अच्छा पल याद करना, तो उसके लिए हम लोग इंग्लिश में किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं? तो आइए हम लोग पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, जो भी टेंस का रहेगा। जनरली मैंने यहाँ पर जो टेंस लिया है यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, इसीलिए यहाँ पर इजमार में कोई एक आएगा। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा मिसिंग। यहाँ पर मिस वर्ब का यूज किया जाता है किसी को याद करने के लिए। यहाँ पर सेंस है कि मैं उसको मिस कर रहा हूँ, तो याद कर रहा हूँ, तो मिस यहाँ पर मिसिंग आ जाएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो मिस यहाँ पर टेंसेस के अकॉर्डिंग टू चेंज होते चले जाएगा। उसके बाद हम लोगों को लगाना पड़ेगा कोई ऑब्जेक्ट, मीन जो भी अदर वर्ड्स बच जाएगा लास्ट में अदर वर्ड्स को लिख देंगे। यदि आप क्वेश्चन करेंगे सामने वाले से या किसी और से, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे मिसिंग और लास्ट में अदर वर्ड्स। अब इसको बेटर तरीके समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, क्या तुम किसी को याद कर रहे हो? इसका कहने का मतलब है, क्या तुम किसी को मिस कर रहे हो? तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आर यू मिसिंग समवन। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अपने बचपन का प्यार याद कर रहा हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई एम मिसिंग माई चाइल्डहुड लव। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अपने प्रेमिका के साथ बिताया हुआ समय या वक्त याद कर रहा हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई एम मिसिंग द टाइम स्पेंट विथ माई गर्लफ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे लगता है कि वो अपनी माँ को याद कर रही है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई थिंक सी इज मिसिंग हर मदर। दैट भी लगा सकते हैं, आई थिंक दैट सी इज मिसिंग हर मदर। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम मस्ती के समय को याद कर रहे हो? इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आर यू मिसिंग द फन टाइम या एंजॉय टाइम। हे गाइज, इसे जुड़े मैं को एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट की जाट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई करेक्ट इट। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी हिट कर ले, ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यहाँ क्या करने आए हो? वहाँ क्या करने जा रहे हो तुम? तुम वहाँ क्या करने जाओगे? वह यहाँ क्या करने आई थी? तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? यू आर वॉचिंग यूएसए स्पोकन क्लासेस, हेयर वी लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर में सबसे पहले लगाएंगे वॉट, और वॉट को लिखने के बाद हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। जो भी टेंस होगा, जिस भी टेंस का सेंटेंस होगा, उसका हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके बाद हम लोग लगाएंगे वर्ब ब्रिंग। अब देखिए, यहाँ पर ब्रिंग जो है ना, टेंसेस के अकॉर्डिंग टू बदल सकता है। कभी ब्रॉट हो जाएगा, कभी ब्रिंगिंग हो जाएगा, और ब्रिंग्स भी हो सकता है। जो भी फॉर्म लगेगा ब्रिंग का, उसको आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद कोई अदर वर्ड्स, जो भी शब्द बच जाएंगे, और लिखते समय क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ऐसे सेंटेंस हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो इसको बेटर तरीके समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ क्या करने आए हो? तो सेंटेंस के लिए बोलेंगे What has brought you here? इस सेंटेंस का अगर मीनिंग देखें तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं Why have you come here? मीन्स तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या कारण है यहाँ आने का। अब इसको ऐसे ही बोल सकते हैं What brings you here? ऐसे सेंटेंस हम लोग, एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है यहाँ कैसे आना हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके घर पर क्या करने गए थे या क्या करने गया था? इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे What brought you to his house? नेक्स्ट सेंटेंस, वहां क्या करने जा रहे हो? इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे What is bringing you there? यू कैन ऑल्सो से Why are you going there? Why से भी बना सकते हैं आप। मीनिंग दोनों का सेम होगा, मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, अब वह यहाँ क्या करने आई है? तो इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं What has brought she here now? हे गाइज, इसी जुड़े मैं आपको एक संदेश दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई करेक्ट इट। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी हिट कर ले, ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।